जैसा कि आपने देखा भाई ने मतलब किस तरीके से मेहनत करी और कितने सारे जी मेरा 3 मिलियन चैनल वाले का ये सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं सारे और इनकी सक्सेस जर्नी क्या। ये धीरज भाई का घर है, यहाँ सभी लोग रहते हैं और धीरज भाई। सो फाइनली हम लोगों ने बास्केट ले ली है, तो अब ये देखिए किस तरीके से बास्केट हम लोग लेके। तो गाइस फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं, आ चुके हैं घर पे। आंटी जी सामान लेके आए हैं, ये देखिए टोकरी में कितना सारा सामान रखा है। नहीं आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलो भाई ने हमको दे दिया टब टूटा, तो हम जा रहे हैं टब चेंज करने के लिए। इतना गंदा टब दे दिया। मैं आपको बता दूं मेरी बास्केट टूटी हुई थी तो मैं दूसरी लेके आ गया हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार कोई चीज़ दे रहे हैं किसी को, तो कायदे से देनी चाहिए। बास्केट पूरी टूटी हुई थी भाई, दोबारा गए हम लोग एक्सचेंज करके आए हैं, उसको पता भी नहीं किया। तो दोस्तों मैं अब बास्केट को हम दोनों भाई सजाएंगे, देखना। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा सेटअप लगा लिया है, अब इसकी सजावट करेंगे। सो गाइस फाइनली हमने बास्केट पूरी तैयार कर ली है, अब हम लोग बस जाते हैं रेडी होके, फटाफट यहाँ से निकलते हैं जल्दी। हम और सुधीर दोनों लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए, अब इंतजार चल रहा है लक्की भैया का। लक्की भैया आ रहे हैं गाड़ी लेके, उनका वेट चल रहा है, जब भी वो आते हैं लेट ही होते हैं हमेशा। तो मम्मी मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड थे हम भाई दोनों लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है? सो भाई पूरा बकेट लेके आ रहे हैं हमारे भाई, वाह। सो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी ये खड़ी हुई है, तो लक्की भैया का चल रहा था वेट, इस वजह से गाड़ी ये रहेगी। तो गाइस फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं और कार आ चुकी है, तो बस निकलते हैं अभी भाई के पास में। सो फाइनली भैया भी आ चुके थे, रेडी हो चुके हैं। भैया ही लेट होते हैं हमेशा जब जब हम कहीं जाते हैं, भैया हमारे बिजी इंसान हैं, तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली बड़े भाई आ चुके हैं, बड़े हैवी ड्राइवर हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चला रहे हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं धीरज भाई के घर पे। ये है धीरज भाई का घर और ये भाई हमें मिले हैं। तो भाई कौन है आप? ये धीरज भाई के मामी के लड़के हैं, बहुत खुशी हुई है। और धीरज भाई कहाँ अंदर है? हाँ जी बुलाए। सो फाइनली धीरज भाई मिल चुके हैं, बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए भाई से। मुझसे हाँ भाई, सही में भाई तुम्हारा डेली में ब्लॉग देखता रहा पर डे एवरी डे। और कैसे हो आप? तू मेरा रोज़। चलिए अंदर क्या जरूरत थी यार? ये धीरज भाई का घर है, यहाँ सभी लोग रहते हैं और धीरज भाई अभी बताएंगे, चलिए चलते हैं। यही धीरज भाई का घर है, इनकी मामी और सब लोग यही फैमिली रहती है पूरी। ये देखिए और धीरज भाई हमारे, ये आपके लिए तोहफा है, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है मेरे भाई। जरूरत क्या आती भाई, कोई बात नहीं। सो भाई को छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है। हेलो दी, नमस्ते। हेलो, हाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग। अब सो फाइनली मैं धीरज भाई के पास बैठा हूँ। धीरज भाई के 2 चैनल थे यूट्यूब चैनल, मैंने जब वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए 3 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल डिलीट हो गए, वो भी 2 चैनल थे। भाई ने 1 साल लग के मेहनत करी और कैसे क्या किया वो बात बताएंगे अभी। धीरज भाई ये बैठे हो मेरे सामने, तो ओके धीरज भाई लास्ट में बताऊँगा ना। दोस्तों मेरा जो चैनल था अपग्रेड विद मी, जिसपे 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो मैंने अपना चैनल तकरीबन 1 साल पहले 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने लॉन्ग कंटेंट डालना स्टार्ट किया था पहले, लेकिन 1 से 2 महीने कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं ए टू मोटिवेशन सर हैं अरविंद अरुंगा सर, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने शॉर्ट्स वीडियोस पर डालना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें भी 10 से 15 दिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन एक वीडियो थी जो मेरी वायरल हो गई, और वीडियो जैसी वो वायरल हुई तो अच्छा लगा। वीडियो जब वायरल हुई तो उसके तकरीबन 6 से 7 वीडियो बाद फिर वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गई, फिर वीडियो वायरल होती चली गई और मेरे दिसंबर महीने में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अब मुझे ऐसा लगा कि अब यूट्यूब पर मैं कुछ कर सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और तभी उसी बीच मेरे को शॉर्ट्स फंड वगैरह मिले, जो तकरीबन थे 80,000 जो पहला शॉर्ट्स फंड मिला था, जो मुझे शॉर्ट्स फंड मिले उन्हें देखकर मैं और भी अच्छा लगा मुझे कि हाँ मैं कुछ कमा भी रहा हूँ, तो घर पर कुछ दे सकता हूँ। मैं इसमें मेहनत करता गया, ना मैंने रात देखी ना दिन देखी। और सुबह उठता मैं 6 बजे, तो 6 बजे पहले मैं 6 बजे वीडियो डालता था,
तो सुबह 6 बजे वीडियो डालने से पहले मैं 5 बजे उठ जाता था, फिर उसको सब कुछ पब्लिक करके फिर दोबारा से सो जाता था 6 बजे डालने के बाद, फिर सुबह उठना खाना पीना होके फिर वीडियो एडिट करता। तो मैंने रात दिन मेहनत की, ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखी, ये पता नहीं चला कि रात कितने बजे, 2-2 बजे तक वीडियो एडिट की। उसके बाद जब डाला, डालने के बाद मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और तकरीबन 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मेरी जो फेस वाली वीडियो नहीं थी इसलिए मुझे कोई ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन उसके सपोर्ट में मैंने एक और चैनल खोल रखा था कि अगर चैनल को कुछ हो जाए तो कम से कम मेरा जो दूसरा चैनल है वो तो मेरा सपोर्ट करेगा। तो उसका नाम था नॉलेज लाइव, तो उसमें मैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह डालता था, दूसरे एक्सीडेंट क्लिप वगैरह डालता था और उस पर भी अच्छा खासा 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। उसका शॉर्ट फंड मुझे मिला तकरीबन $100 शॉर्ट फंड मिला, तो मुझे उसको क्लेम करना था। जब मैं इसको क्लेम करना चाहता था तो उसके लिए एक एडसेंस बनाना पड़ता है, एडसेंस बनाया तो एडसेंस नहीं बनना था, यूट्यूब ने कहा कि तुम्हारा एडसेंस नहीं बन सकता, तुम्हारे इस नाम से पहले से है। तो मुझे उस समय कुछ ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने कहा कि अपना जो नया जो तुम्हारा अकाउंट है पुराने एडसेंस से लिंक कर दो। तो मैंने क्या किया, जो दोनों अकाउंट थे मेरे यूट्यूब चैनल, एक 3 मिलियन वाला एक 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला, दोनों को एक ही एडसेंस से जोड़ दिया। और ये हुआ कि 4 अगस्त को मेरे जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल था उस पर 4 अगस्त को एक बंदे ने मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी और सुबह ही मेरा वो चैनल यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया। अब वो 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला था डिसेबल कर दिया, जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी, मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा मेरा 3 मिलियन वाला चैनल तो है ही है जिसपे मैं सब कुछ कर सकता हूँ और इसी के लिए मैं यूट्यूब पे आया था और इसी में सब कुछ कर रहा था, तो इसको हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं 3 मिलियन वाले पे अपना फोकस फुल फोकस हो गया। लेकिन 17 दिन बाद 17 अगस्त को मेरे को तो तकरीबन वो चैनल डिसेबल हो गया, तो मैंने उसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो डालता रहा। फिर 17 अगस्त को मैंने सुबह 8 बजे वीडियो डाली। वीडियो डालने के बाद मेरी एक हैबिट थी कि वीडियो डालने के बाद मैं 1 घंटे बाद वीडियो की व्यूज़ देखता था, कितने पहुँचे कितने नहीं पहुँचे। तो मैं उस वीडियो व्यूज़ देखने के लिए YouTube स्टूडियो पर गया, तो मेरा जो चैनल था 3 मिलियन वाला वो उस पर शो नहीं कर रहा। मैंने कहा ये शो क्यों नहीं कर रहा। फिर मैं YouTube जो एप्लीकेशन होती है उस पर गया, उस पर भी शो नहीं कर रहा। फिर मैं क्रोम पर जाकर देखा, उस पर भी शो नहीं कर रहा। मेरी दिल की धड़कन ऐसी बढ़ गई कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था चैनल कहाँ गया। फिर मैं गया जीमेल पे और जीमेल पे मैंने स्वाइप किया और स्वाइप करने के बाद मैंने देखा उधर ही लिखा हुआ था कि जो आपका 3 मिलियन वाला चैनल है वो यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। मैंने ये पढ़ाई और मेरे हाथ से मोबाइल था मेरा छूटा, मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं एक घंटे जैसे मैंने ये सुना ना, 1 घंटे तो लगातार रोता रहा मैं, कोई आसपास नहीं था, कोई सब जो मेरी बहन है वो स्कूल गई थी कॉलेज गई थी, इधर कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहता हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। 1 घंटा मैं ऐसे डला रहा, अब मैं सोचा क्या कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने जब दोस्तों को बताया, दोस्तों ने कहा कि भाई तू ऐसा कर जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको मेल कर। फिर मैंने यूट्यूबर्स को मेल किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेल किया, किसी का रिप्लाई नहीं आया एक दिन। अब मैंने सोचा बड़े बड़े यूट्यूबर रिप्लाई दे नहीं रहे हैं तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को रिप्लाई करके मैसेज कर वो जीमेल पे मैसेज करके देखता हूँ। जब मैंने छोटे यूट्यूबर्स को रिप्लाई करने की मैसेज किया तो एक सर हैं रोहित राज सर, उनका मैसेज आया, वो कह रहे भाई आपके साथ क्या हो गया, कैसे चैनल डिलीट हुआ। मैंने उनको सब बात बताई, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरा जो चैनल था ये धीरज के ब्लॉग्स आज यहाँ तक पहुँच पाया है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा धीरज भाई ने सारी बातें बताई हैं और धीरज भाई को क्या मिला है गिफ्ट में ये भी अभी दिखाएंगे। और प्ले बटन भी है भाई के पास। धीरज भाई कितने प्ले बटन है अपने पास? दो प्ले बटन है भाई के पास, तो अभी प्ले बटन भी दिखाएंगे भाई के पास क्या क्या गिफ्ट और यूट्यूब वालों ने क्या क्या गिफ्ट दिए भाई को। तो ये देखिए भाई ने ये प्ले बटन निकाल लिए हैं, ये देखिए मतलब किस तरीके की मेहनत रंग लाती है ये देखिए। जी मेरा 3 मिलियन चैनल वाले का, ये 3 मिलियन चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरा प्ले बटन और दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला था, 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल भाई का। तो भाई के पास काफी गिफ्ट भी आए थे, मैंने वीडियो में देखा था, तो वो भी अभी दिखा रहे हैं भाई। तो भाई ने ये देखिए अभी गिफ्ट यहाँ से दिखाएंगे क्या क्या मिला भाई को। ये सब मेहनत की चीज है भाई, लोगों को लगता है ना कि जिस तरीके से चैनल भाई का डिलीट हो गया तो वो तो एक यूट्यूबर ही जान सकता है कि कैसे मेहनत की है क्या किया। इसमें देखो ये मिला था, इसका मेन जो था ना ये शॉर्ट्स प्ले बटन। वाव वाव यार, मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं रहता ना। हाँ, लाइट का सिस्टम नहीं रहता, आपने ये भी बताया था कि मैं पैसे चला लेते थे तो यहाँ पे जैसे लाइट चली है ना तो कम ये चलता रहता था। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ये किताब थी, ये देखिए ये बुक है, यूट्यूब वालों ने भेजी थी गिफ्ट में। ये देखिए इसमें ना सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं सारे।
और इनकी सक्सेस जर्नी क्या कैसे कि इनको जी पता है वो है जो फैक्ट की वीडियो बनाते हैं फैक्ट की। अच्छा वो अंतरिक्ष वाली और भी हैं इसमें बड़े बड़े सारे। तो जैसा कि आपने देखा भाई ने मतलब किस तरीके से मेहनत करी और कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। प्ले बटन भी देखे, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने पहली बार प्ले बटन देखा है और मैंने अब वो तो मुझे पता नहीं है कैसा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो भाई ने इतनी मेहनत करी है और मेहनत के बाद उस भाई का चैनल डिलीट हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जल्द से जल्द ये वीडियो पहुँचाई जाए, भाई का चैनल जल्द से जल्द खोला जाए। ये देखिए हमारे धीरज भाई किस तरीके से मेहनत करते थे, पढ़ाई की है इस तरीके से, ये देखिए मतलब लोग तो इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। धीरज भाई ने किस तरीके से मतलब कब से क्या हुआ आप बता सकते हैं थोड़ा धीरज भाई पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई के बारे में ऐसा था जो इंटर, जब मैंने इंटर की थी तो इंटर का जब मैं इंटर कर रहा था तो मेरा ख्वाब था IAS बनने का। अब बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन मेरा एक्चुअली में ख्वाब था, बचपन से ही वो करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने बहुत सर्च किया और बड़े बड़े जो वो होते हैं सिखाने वाले IAS ऑफिसर बनाने वाले, उनकी अगर तुम्हारा एम ही IAS ऑफिसर बनने का है तो तुम्हें BA लेनी पड़ेगी। तो मैंने ना इधर देखा ना किसी की सुनी, ना इतने टीचर ने मना किया कि BTech कर ले या फिर किसी सरकारी नौकरी तैयारी कर ले, किसी की नहीं सुनी। मैंने सीधा BA में एडमिशन ले लिया। अब BA में एडमिशन ले लिया, कॉलेज जाने लगा, यहाँ पर मशहूर कॉलेज है आगरा कॉलेज, उसमें ले लिया था। अब हुआ ये क्या कि आपको पता है मैंने जैसा वीडियो में देखा होगा कि मैं एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ सपोर्ट मम्मी पापा को करना चाहिए, कुछ कमाऊँ मैं। तो कमाने के चक्कर में मेरा एक दोस्त था वो मेरे पास आया एक ऑफर लेके नेटवर्क मार्केटिंग का, और नेटवर्क मार्केटिंग में उसने ये बताया कि भाई तू देख 3 से 4 घंटा काम करके 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेगा और तू बहुत कुछ सीख भी जाएगा, जो लोग होंगे तेरे से मिलेगा, तेरी पर्सनलिटी डेवलप हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, 10 से 15 दिन काम पर गया मम्मी पापा के संग, उधर से पैसे कलेक्ट किए, फिर वो पैसे मैंने भाई दोस्त को दे दिए और वो तकरीबन थे शायद 10 हज़ार रुपये, नहीं 10 या 8 हज़ार रुपये थे, वो मैंने दे दिए। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। मैं BA की वो भी जाता था, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगा रखा था, मैं शाम को वो भी जाता था और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रात को 12-12 बजे तक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मीटिंग करता था। ये मैंने तकरीबन 9 महीने तक किया था और 9 महीने तक वो करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला था उसमें, इसलिए मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया। और जैसे वो ड्रॉप आउट किया मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि अब मैं कैसे कर पाऊँगा। अब तो मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मैं IAS ऑफिसर बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि एक माहौल अलग बन गया था उस समय पे। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे मम्मी पापा ने सजेशन दिया कि तू यहाँ के DI कॉलेज है उसमें एडमिशन ले ले। तो जो मेरा DI जो यहाँ का बगल का DI कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सरकारी प्राइवेट है, उसमें एडमिशन लेना समझ लीजिए बहुत मुश्किल है बहुत। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया और मेरा लकीली मेरा एडमिशन हो गया उसमें BTech में। और लेकिन उससे पहले ही मैंने जो एडमिशन लेने से पहले एक मैंने चैनल खोला था जो 3 मिलियन वाला चैनल था मेरा अपग्रेड विद मी, वो स्टार्ट किया था। और जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था उसी दिन मेरी वीडियो वायरल हो गई और 10 से 15 दिन के बाद ही उस पर 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 10 दिन कॉलेज गया मैं, अब मैंने सोचा कौन कॉलेज जाए, अब कॉलेज जाऊंगा 4 साल दूंगा, 4 साल के बाद फिर 30 से 35 हज़ार की जॉब लगेगी और मम्मी पापा को सहयोग भी नहीं कर पाऊंगा 4 सालों तक, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं यूट्यूब करूंगा, एक पैसा आने लगे थे $100-200 जो आए थे और आगे मिलते रहेंगे, तो मैं मम्मी पापा को सहयोग भी कर दूंगा और आगे जाके कुछ इस जो BTech कर रहा हूँ उससे ज़्यादा बना बन जाऊंगा। इसने मैंने BTech ड्रॉप आउट कर दी, लेकिन मुझे थोड़ा पता था कि मेरे संग ये हो जाएगा कि आगे जाके ये चैनल डिलीट हो जाएगा, इतना नॉलेज नहीं थी मुझे। तो ये सब मेरे साथ हुआ था। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और भाई से बहुत अच्छा लगा, धीरज भाई ने हमें बहुत सपोर्ट दिया, अच्छा लगा बहुत मिलकर और किसी तरीके से प्यार बना रहे भाइयों में। भाई के चैनल धीरज के ब्लॉग करके भाई को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई ने इस तरीके से मेहनत करी है एक यूट्यूबर ही जान सकता है कैसी मेहनत करी है, और आप भी समझ सकते हो। तो हमारे धीरज भाई सब लोग यहीं रहते हैं, इनकी फैमिली है, बहुत अच्छा लगा धीरज भाई से मिलके और बहुत खुशी मिलती है जब किसी यूट्यूबर से मिलते हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े यूट्यूबर आए हैं। ओके धीरज भाई, रियल में बहुत अच्छा लगा धीरज भाई, आपकी बहुत याद आएगी जो आपने हम लोगों को सपोर्ट किया और प्यार दिया इसी तरीके से, थैंक यू सो मच धीरज भाई। तो हम लोग फाइनली निकलने के लिए हो गए रेडी, गाड़ी हमारी तैयार हो गई है। ओके सौरभ भाई मिल चुका है, अभी जस्ट अभी रामबाग से उठाया है मैंने अपने भाई को, मैनपुरी से आया है, बहुत एक्साइटेड है, कल ये लोग जाएंगे घूमने के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरा भाई मिल चुका है, काफी टाइम बाद मिले हैं। हेलो दोस्तों, तो भैया के ये बच्चे हैं दोनों, और क्या नाम है आपका?
राजा। और आपका क्या नाम है? छोटे बताओ, शर्मा क्यों रहे हो आप? क्या नाम है आपका? कार्तिक। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मेहनत करते रहिए बस। आप अच्छा, इसमें सिंगर कौन सा है? पीछे वाला। वेरी गुड। तो ये दोस्तों, फाइनली हम लोग अभी अभी घर पे आ चुके हैं। बहुत टाइम लग गया था हम लोगों को, थोड़ा कुछ कहीं काम से रुक गए थे हम लोग। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। प्लीज पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। भाई से मिलके आए थे, भाई से सबसे ज्यादा सपोर्ट करना उस भाई को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।